हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हो गए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं ड्यूटी के लिए रेडी हो चुका हूँ, अब चलता हूँ ड्यूटी पर। आप देख सकते हैं आज फिर आ चुके हैं मेरे पास। तो आज मुझे आना है अपडे, क्योंकि आज है परिवार में ही शादी ताऊ जी की लड़की की, तो उस शादी में आना जरूरी है। और फिर अपडे कर फिर शाम के टाइम फिर एक शादी करनी है मुझे मुजफ्फरनगर में। देखिए टफी कैसे घूम, देख सकते हैं कैसे लगा रही है ये रोड विलर डॉग। चलता हूँ ड्यूटी पर। तो मम्मी करे गाय को घास समझा, देख सकते हैं गाय वहाँ पर खड़ी है। तो मैं आज लेट हो गया था इसलिए गाय को घास नहीं कर पाया, ज़्यादातर मम्मी करती है घास। मैं पहुंच गया था मिल में, मिल में आके मैंने अपना काम किया। जो काम का रोज का रूटीन होता है वही करना पड़ता है। पहले हम सारे मशीनें चेक करते हैं, उसके बाद थोड़ा घूमते हैं। घूमने के बाद जो काम ख़राब होता है, टूट फूट होती है, उस काम को मेंटेनेंस करते हैं। हाफ डे करने के बाद मैं घर के लिए निकल गया था मिल से, और 1 बजे मैं मिल से निकला था बाहर। 1 बजे हमारा लंच होता है, तो 1 बजे हम हाफ डे हो जाता है हमारा। मौसम थोड़ा ख़राब है यहाँ पर और घने बादल हैं, और शाम के टाइम मुझे निकलना है एक और शादी में, वो भी चाचा जी की लड़की की शादी है, पापा जी के मामा के पोते की शादी है। घर आने के बाद मैं गया शादी में, घर वाले सब खाना जा चुके थे घर पर, और मुझे बस यहाँ पर सुनील चाचा जी मिले और कोई नहीं मिला। शादी में पोते सब नाश्ता पानी करके घर जा चुके थे। देखे खाना खा के आ चुकी है। आप कहाँ गई थी? शादी में गई थी आउसी। आउसी मेरे से पहले खा के आ गई। तो देखिए चाचा जी अब बबली चाची पीछे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, और गुड्डू चिंकी मेरे पास है। तो मैं चाची जी खाना खा के आ गई थी, वो तो चिंकी की मस्ती देखिए कैसे मस्ती कर रही है। तो आगे लौट भी चुके हैं खाना खा के, आराम कर रहे हैं। तो देखिए चाचा जी खिला रहे हैं नंदनी को, और उनके बगल में पब्ली चाची बैठी हैं, दोनों नंदनी को खिला रहे हैं, और चिंकी भी आ गई उनके पास ही नंदनी को खिलाने के लिए। देखिए कैसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर डीजे का साउंड होने की वजह से मैंने चाचा जी और चाचा जी की आवाज़ें बंद कर दी थी, क्योंकि शादी पास में थी और वहाँ पर डीजे बज रहा था, और डीजे में जो गाने बजते हैं कॉपीराइट आ जाता है जो वीडियो में लगा देते हैं, तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, इसलिए आवाज़ बंद ही करनी पड़ी, वरना तो इतने मजाक कर रहे थे बहुत ज़्यादा। पूरे मस्ती के मूड में थे चाचा जी, बातें ऐसी कर रहे थे कि इतनी हंसी आ रही थी कि आपको मैं बता भी नहीं सकता। गाने का साउंड रहा होता तो आपको ज़रूर सुनाता, लेकिन आप ऐसे ही देख सकते हैं नंदनी को खिलाते हुए चाचा जी और बबली चाची। चाची जी कुछ काम कर रही थी अपने मोबाइल में, और मोनी के आगे चीज कर रहे हैं, तो चाची जी बोली लो हो गया काम। तो फिर उन्होंने कुछ जवाब से दिए कि घर काम भी ज़रूरी है, और आज घर का काम ही था बस, खाना बनाने का काम तो आज नहीं था। तो नंदनी को ही खिलाते हैं आज, बोल रही थी कैसे खेल रही है नंदनी। तो मैं घर पहुंच चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि गंगो खा रहे हैं खाना, इसको मम्मी ने घास कर दिया होगा, तो ये अपना लंच कर रही है दोपहर का। तो देखिए फ्रेंड, ये राहुल भाई, ये आए सोरम से, चाचा जी के लड़के हैं, जो पापा जी के मामा जी हैं उनके पोते हैं सोरम से, तो ये भी शादी में आए थे आज, मिलिए राहुल भाई से। हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हो सब? तो आपको हेलो बोला है भाई। बुआ जी भी आई है पापा जी की, ये उनके साथ ही आए हैं, भी आ रही है, उनसे भी आपको मिलाऊंगा जो मिले मुझे मिली मेरे जाने से पहले, क्योंकि मुझे भी मुजफ्फरनगर शादी में जाना है, आपको उनसे मिलवाता हूँ फिर जो मेरे रहते हुए आ गए थे। तो देखिए मम्मी पापा जी बैठे हैं, तो मम्मी ने भी आज गहने जेवरात पे रखे हैं, शादी में गई थी ताऊ जी की लड़की की शादी थी परिवार में ही,
तो पापा जी अपनी ड्यूटी से आए थे और पापा जी भी हाफ डे करके आए थे आज ड्यूटी से, बोल रहे थे कि मैं भी आधी करके आ जाऊँगा, फिर वे भी नहीं गए। आपको हेलो बोल रहे हैं, अभी बोल रहे थे कि आप सब कैसे हो। तो मैं चलने के लिए रेडी हो चुका हूँ। मम्मी ने मेरे लिए बैग में सामान काट दिया है जो भी देना था। तो इधर पापा जी आप देख सकते हैं, ये भी अपने सामान कपड़े देख रहे थे कि शादी में एक जुड़ाव सिमाना है, एक शादी हो रहा है उसके लिए। देखिए संदूक खोल रखा है और संदूक से सारा सामान काट रखा है, आप देख सकते हैं। चलता हूँ मैं शादी में, तो चलता चलता आपको गंगू से मिलाता हूँ। गंगू से गंगू कर रहे हैं आराम, देख सकते हैं आप बैठे आराम से खाना खाने के बाद, अपना चारा खाने के बाद। तो बारात में जाने से, मैं शादी में जाने से पहले गया था मैं चाचा जी के यहाँ पर, और आरुषि बोल रही थी कि मुझे बारात दिखा के लाओ, डीजे कैसे बज रहा है बाजा मुझे भी देखना है। तो मैं इसे दिखा के लाया था बाजा, देखिए आप भी डाल। तो बराती कर रहे हैं एंजॉय, तो मैं मुजफ्फरनगर हाईवे क्रॉस करके छोटी रोड पर आ गया था जो मुजफ्फरनगर अंदर को निकलती है। आप देख सकते हैं मुझे फनगर रोड है, यहाँ पर बना है रेलवे लाइन और ये रेलवे का पुल बना है यहाँ पर। एक साइड ये हो गई और दूसरी साइड ये हो गई, तो दोनों ही यहाँ पे जॉइंट होंगे। यहाँ पर भाई खड़े हैं मेरे, तो यहाँ से ब्रिज बनेगा, फ्लाईओवर रेल क्रॉस होने का। ये दूर दूर तक आप देख सकते हैं ये मिट्टी गिर चुके हैं यहाँ पर, और ब्रिज का निर्माण प्रगति पर है यहाँ पर। तो ये मेरठ से होते हुए इधर सहारनपुर को होते हुए आगे जाएगी, तो आप देख सकते हैं मेन रोड बिल्कुल ये उधर से जॉइंट हो जाएगा, और उधर तो पुल का निर्माण हो चुका है, वहाँ पर एक पुल का निर्माण हो चुका है। आप देखते हैं कम से कम इसकी चौड़ाई, दो रेलवे लाइन इस पर बन सकती है, बन तो चार सकती है लेकिन दो ही बनेगी इस पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, उधर पुल और उधर पुल बन चुका है, शाम का टाइम हो चुका है यहाँ पर, आप मौसम देख सकते हैं। और बस मुझे 10 मिनट और लगेगी बुआ जी के यहाँ पहुँचने में। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ बुआ जी के घर पर, और नाश्ता बुआ जी ने बना दिया है, हम नाश्ता कर रहे हैं, तो उसके बाद ही जाऊँगा शादी में। और सिमरन जा रही है उधर बुआ जी की जेठानी जी के पास, यानी कि बड़ी बुआ जी के पास, और उधर ही खेल रही है। बुआ जी के यहाँ पर नाश्ता करने के बाद फिर मैं शादी में निकल गया था, एक छोटी शॉपिंग करी, शॉपिंग में मैंने जैकेट भी लिया, आपको दिखाऊंगा अभी। तो मैं पहुंच गया हूँ शादी में, शादी है पापा जी के मामा के पोते की। तो देखिए दूल्हा है, और ये जैकेट मैंने वहीं पर लिया है। शादी में जाने से पहले एक छोटी शॉपिंग की थी, उसी शॉपिंग में ये मैंने जैकेट लिया है। तो हम शादी में से आ गए थे वापस, मैं और अर्जुन भाई, अर्जुन की बुआ जी का लड़का था मोनू, वे गंगो सेड से आए थे। और शादी ज़्यादा दूर नहीं थी इसलिए हम बाइक पर तीन जने बैठे चले गए थे, शादी वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर थी, और 12 बजे का टाइम था, उसमें कोहरा भी बहुत अधिक पड़ रहा था, आप देख सकते हैं कितनी धुंध है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको
जरूर कमेंट करके बताना, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें। धन्यवाद। राम राम जी।